हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं द बेसिक पैथोलॉजी ऑफ सीटी स्कैन हेड। ये बेसिक पैथोलॉजी ऑफ सीटी स्कैन हेड में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो ये फ्रेशर स्टूडेंट को जो अपने स्टार्टिंग करते हैं सीटी में, ये सीटी स्कैन हेड के अंदर उनको देखना आना चाहिए। ये कुछ चीज़ें क्रिटिकल होती हैं, तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये ह्यूमन ब्रेन है, इसका सीटी स्कैन करते हैं हम। और बेसिकली जो सीटी स्कैन हेड जब हम करते हैं तो यही चीज़ें मोस्टली हम देखते हैं। ये 3D इमेज है, इसको ब्रेन को 2, 3, 4 पार्ट्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर मोटा मोटा हम देखें तो ये राइट का पोर्शन है, ये लेफ्ट है, ये बेसल गैंग्लिया सेरिबिलम है। ये जो आप देख रहे हैं राइट पोर्शन है ब्रेन का, ये लेफ्ट है, ये बेसल गैंग्लिया बोलते हैं इंटरनली ब्रेन, ये सेरिब्रम है। तो इसके अंदर ही हमें जानना है किस लिए हम सीटी स्कैन करते हैं और जो पिक्चर हैं ये हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये जनरल एनाटॉमी की इमेज है। ये आना बहुत ज़रूरी होता है पैथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या जानने के लिए कि क्या करा हमने पेशेंट का सीटी स्कैन, उस समय क्या आया, किस लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेन है, ये वाला जो ब्रेन है 3D, अब ये तो इसमें बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन हम जब सीटी स्कैन करते हैं तो इस टाइप से तो हमें नहीं दिखता है। तो अब इसमें हम पैथोलॉजी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की। ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा ब्रेन होता है, ये वाला जो ब्रेन है, जो इसमें आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये इनको सल्कस एंड गायरस बोलते हैं, है ना, सल्कस एंड गायरस। ये देखिए, ये इस टाइप से फोल्ड बने होते हैं, है ना। ये क्या है, जो नीचे आ रहा है ये सल्कस है और जो ऊपर जो पोर्शन जा रहा है गायरस है। इसमें भी दिखाने की कोशिश करी गई इस इमेज में कि ये जो नीचे की तरफ जो चीज़ें आ रही हैं ये सल्कस हैं, ये वाला जो आ रहा है ना ये पोर्शन, ये सल्कस है, सल्कस। और ये जो मोटा जो आपको लेयर दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, गायरस, ये गायरस है। तो टोटली यानी कि जो 70% जो आप ब्रेन देखेंगे वो इसी की कंपोजिशन से बना होता है, जिसको हम ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर भी बोलते हैं। देखिए, ये इस पिक्चर पर जो लिखा है, जो ग्रे मैटर है, ग्रे, तो ये क्या था, ये देखिए, जिसको ये ग्रे मैटर बोल रहा है ये क्या है, ये गायरस है ना, गायरस को क्या बोल रहा है, ये ग्रे मैटर, ये तो क्या हुआ, गायरस, ये गायरस को क्या बोल रहा है, ग्रे मैटर, है ना, ये ग्रे मैटर, ठीक है। और जो ये जो वाइट मैटर है, ये देखिए, जो ब्रेन का आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो ग्रे मैटर के डीप का जो नीचे का जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको बोलता है क्या है, वाइट मैटर, ठीक है। तो ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद ही आप पैथोलॉजी देख पाएंगे सीटी स्कैन हेड की। ये देखिए, ये है आपकी रेडियोलॉजिकल इमेज है सीटी स्कैन हेड की। ये देखिए, अब ये जो इसमें जो वाइट 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 जो दिख रहा है ये क्या हुआ, ये ग्रे मैटर हुआ है ना, ग्रे मैटर। कुछ लोगों को जो फ्रेशर स्टूडेंट है कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो वाइट दिख रहा है वो वाइट मैटर हो गया, जो ग्रे दिख रहा है ग्रे मैटर, ये उल्टा होता है। ये जो ग्रे मैटर है ये वाइट मैटर होता है और जो वाइट है वो होता है ग्रे मैटर, ठीक है। यहीं से पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाता है कि आप कैसे पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, ये जो पिक्चर है, ये वाला इधर जो पिक्चर है, ये बिल्कुल नॉर्मल पिक्चर है एनसीसीटी हेड की। अब यहाँ देखिए आप, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, तो ये ब्लैक जो दिख रहा है क्या है, ये जानना है हम, इससे पहले हमें पढ़ना होगा इसको जानने के लिए। तो लेकिन आपको पहले पैथोलॉजी आने से पहले आपको एनसीसीटी हेड की नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। पहले आप नॉर्मल सीखें कि सीटी स्कैन हेड नॉर्मल होता कैसा है। ऐसा होता है आपको कम से कम 1000 पिक्चरें देखनी है एनसीसीटी हेड की, नॉर्मल की। तो ये एनसीसीटी हेड नॉर्मल की, मैं तो एक पिक्चर ही दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एनसीसीटी हेड की नॉर्मल पिक्चर है, अब इसमें स्टार्ट करेंगे। देखो, एक तो आपने देखा ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन, दूसरा अब देखिए आप,
ये ब्रेन पढ़ने के लिए आपको ग्रेवाइट मैटर डिफ्रेंसेशन आना चाहिए। तो अब इसमें कोई जैसे पैथोलॉजी है, मानो कि आपको पढ़ना है सीटी हेमरेज, क्या पढ़ना है सीटी हेमरेज, हेमाटोमा जिसको बोलते हैं। अब हेमाटोमा जानने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज हेमरेज। हेमरेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज की, जिस आर्टरीज में ब्लड जाता है, वो या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वेसल्स फट जाते हैं ब्रेन के अंदर। जब ब्रेन के अंदर वेसल्स का फटना ही होता है हेमरेज। उस होता क्या है कि जब वेसल्स फटती है तो उससे जो ब्लड है, ये ब्लड ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है एक जगह, किसी भी पोर्शन में जहाँ भी इंजरी हुआ है या जहाँ की भी ब्लड वेसल्स फट गई है। हेमरेज का मतलब होता है द ब्लड वेसल्स ब्रस्ट इन द ब्रेन, कि जो है ब्लड वेसल्स कहीं पे लीक हो गई है या फट गई है, या तो उसका फटने का कारण है ब्लड प्रेशर हाई हुआ है पेशेंट का या उसको इंजरी हुई है। तो ये होता है हेमरेज का मतलब, ठीक है। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सीटी स्कैन की पिक्चरों में कैसे दिखाई देगा आपको, उसको देखने के लिए आपको, हेमरेज को देखने के लिए आपको ये वाली जो अनाटमी है या द मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन, ये आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेन हेमरेज। देखिए जब आप ब्रेन को देखते हैं तो ये चीज़ें, जब आप सीटी स्कैन हेड की पिक्चर में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं उसमें, इसलिए आपको ये जर्नल अनाटमी में पढ़ना ही होगा। देखिए ये स्कैल्प है ना, जो स्कैल्प क्या होती है, जो हमारी जो बोन है, सर की जो बोन होती है स्कैल्प, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, जो फैट होती है, जिसमें बाल होते हैं ना, वो स्कैल्प होती है ना। स्कैल्प के नीचे स्कल होता है, स्कल के नीचे भी देखिए आपको कितनी चीज़ें हैं, ये पोस्टीरियर ड्यूरा है, मेनिंजियल ड्यूरा है, अरेक्नोइड मैटर है, सब अरेक्नोइड मैटर है, पाई मैटर, उसके बाद ब्रेन आता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये जो बोन है, बोन के नीचे ही ब्रेन है, बहुत इंटरनली जाके होता है ब्रेन। तो ये पूरा कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए देखना। ये देखिए दिखाता हूँ अभी मैं, ये देखिए जब आप सीटी स्कैन हेड की पिक्चरें करते हैं, सीटी स्कैन हेड करते हैं, ये पिक्चर मिलती है आपको ये वाले, तो इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, ये जो चीज़ें अभी दिखाई थी, ये देखिए इधर सबसे पहले क्या है, स्कैल्प है। स्कैल्प तो आपको चलो ये दिख जाएगा, जो स्कल है ये वाला, जो स्कल है ये बोन दिख गया आपको। बोन के अंदर ये भी दिखा रहा है ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाई मैटर, ये इसमें कहाँ दिख रही है पिक्चर में, कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, ये किसी को भी नहीं दिखता यहाँ पे, ये दिखता कैसे है वो बताएंगे अभी हम। तो ये दोस्तों आपको पढ़ना होगा द मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती हैं जिससे ब्रेन कवर होता है, उनको बोलते हैं द मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन। वो आपको इंटरनेट से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आती है ड्यूरा मैटर होता है ना, ड्यूरा, फिर आता है अरेक्नोइड एंड पाई। ये पाई मैटर के अंदर का जो पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है ब्रेन स्टार्ट। तो ये तीनों लेयर आपको आना, देखना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर सपोज करो आपको एपिड्यूरल स्पेस देखना नहीं आता है, आपको यही नहीं पता व्हाट इज एपिड्यूरल स्पेस, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा को। अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज अरेक्नोइड स्पेस, कि अरेक्नोइड स्पेस क्या है या सब अरेक्नोइड स्पेस क्या है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये सब अरेक्नोइड हेमरेज है। तो ये जान लीजिए, ये जो इसका जो सीक्वेंस है ड्यूरा अरेक्नोइड एंड पाई, ये सीक्वेंस में होती हैं लेयर ब्रेन की, और इसका जो स्पेस है देखिए, जो स्कल और ड्यूरा के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, एपिड्यूरल स्पेस है, और ड्यूरा और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस है वो सबड्यूरल स्पेस है, और पाई और अरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, सब अरेक्नोइड स्पेस। इन स्पेस में जब ब्लीडिंग होती है तो इनके नाम से ही जाना जाता है कि वो कौन सा हेमरेज है। देखिए अब हमें सबसे पहले जानना है सब अरेक्नोइड हेमरेज, कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब अरेक्नोइड हेमरेज।
तो सबरेक्नोइड हेमरेज पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा सबरेक्नोइड स्पेस। अब देखिए ये जो स्कैल्प है ये दिखा रहा है यहाँ पे, सब ये स्कैल्प को छोड़ दो आप, है ना, ये सबरेक्नोइड स्पेस की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। देखिए ये जो पूरा ये जाली जाली टाइप का आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है ना ये, और ये नीचे की तरफ भी आ रहा है ना यहाँ तक, ये पूरा सबरेक्नोइड स्पेस है। तो जब आप एक एग्जांपल लो, यदि आपने किसी ग्लास के अंदर बर्फ़ जमाया हुआ है और उस बर्फ़ को आप निकाल के बाद में किसी से पूछ सकते हो कि बर्फ़ किस में जमी है, तो आप बता दोगे गिलास में जमी है, क्योंकि आपने गिलास की शेप को देखा हुआ है। ये बहुत सीधा एग्जांपल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेमरेज, कि आपने बर्फ़ गिलास में जमाया और आप उस बर्फ़ को बाहर निकाल के किसी से पूछेंगे कि ये बर्फ़ किस बर्तन में जमाई हुई है, तो कोई भी बता देगा गिलास में जमी है। ऐसे ही यदि आपने सबरेक्नोइड स्पेस की आइडेंटिफिकेशन को देखा है कि सबरेक्नोइड स्पेस की लोकेशन क्या है, उसकी जो बनावट है वो कैसी है, तो आप हेमरेज को देख कर तुरंत बता देंगे कि ये सबरेक्नोइड हेमरेज है। तो आप देख लीजिए सबरेक्नोइड हेमरेज है जो मैंने सल्कस एंड गायरस जो बताया था, इसलिए पहले आपको बताया था कि देखिए ये जो सल्कस है, ये सल्कस क्या है, अंदर की तरफ आ रही है ना, ये देखिए इंटरनली अंदर की तरफ आपको आती दिखाई देगी। इसकी शेप है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको कहीं पे भी, हर बॉडी मतलब ब्रेन में किसी का भी ब्रेन हो सबका ऐसे ही होगा। गायरस की फॉर्मेशन ऊपर की तरफ होगी, सल्कस की नीचे की तरफ होगी। जब इस वाले स्पेस में ब्लड भरेगा तो वो इसी टाइप से नीचे को आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि हमें लगेगा कि वो ब्रेन में अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए सबरेक्नोइड हेमरेज दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये जो हमने भी पढ़ा था सल्कस एंड गायरस, ये जो इस टाइप का जो हेमरेज है ना, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि ब्रेन में अंदर है, दोस्तों ब्रेन के अंदर नहीं होता है, ब्रेन के बाहर है। आपको तो लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल बीच के ब्रेन में, यहाँ पे तो अंदर है, ये अंदर नहीं है। पढ़ना एक बार ढंग से दोबारा से, व्हाट इज द सबरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये वाली, इससे हमें पता चलता है कि ये सबरेक्नोइड स्पेस है। तो इसमें मैंने जस्ट थोड़ा बताने की कोशिश करी थी अबाउट ऑफ द सबरेक्नोइड हेमरेज। तो आपको फिर भी कम से कम 2-4 दिन इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप देखिए ये आइडेंटिफिकेशन थी सबरेक्नोइड हेमरेज की, और देख लीजिए ये देखिए ये दिखा रहा है सबरेक्नोइड हेमरेज कॉर्टिकल गायरी एंड सल्साई पैटर्न। समझ गए आप ये कहाँ से आया वर्ड द गायरी एंड सल्साई पैटर्न, कि जो हमने फर्स्ट इमेज में देखा था वो यही है। ये देखिए ये सल्कस दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे इसकी तो ब्रेन में जो सल्कस होती है नीचे की तरफ आती है, ऐसे लगता है अंदर की तरफ, तो सल्कस एंड गायरस पैटर्न में दिखाई देता है आपको सबरेक्नोइड हेमरेज। तो एक हेमरेज तो कंप्लीट हुआ सबरेक्नोइड हेमरेज। अब बात करते हैं सबड्यूरल हेमरेज। तो सबड्यूरल हेमरेज पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा पहले, ये देखिए सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस में ही तो सबड्यूरल हेमरेज होगा, तो सबड्यूरल बड़ा इजी होता है देखना ना, सबड्यूरल स्पेस कैसी है। देखिए ये इस टाइप की सी जैसे बनाते हैं, ये सी शेप का है, या आप देख लीजिए इस टाइप का है ना ये ऐसे, तो इसी टाइप में आपको हेमरेज भी दिखाई देगा, तो वो हेमरेज कौन सा होगा, सबड्यूरल हेमरेज। ये देखिए इस इमेज को देख लीजिए आप, है ना, ये देखिए भाई सबड्यूरल का जो था, जो स्पेस था सबड्यूरल, वो उसी टाइप से तो था। और देखिए मैंने एक पिक्चर और लगाया इसमें आपको समझने के लिए, ये देखिए जो सबड्यूरल हेमरेज होगा वो इस टाइप से दिखाई देगा आपको। देखो बनाना सेफ है ना ये, तो इस टाइप से यहाँ पे साइड में ये दिखाई देगा सबड्यूरल हेमरेज। तो अभी भी ब्रेन के अंदर नहीं है दोस्तों ये, जब आपकी मेनिंजेस क्लियर हो जाएंगी ना तब आपको समझ आएगा। पैथोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत इंटरनली एनाटॉमी पढ़ना होता है तो आपको समझ आएंगे, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं जितना आप समझ सकें, ठीक है। तो ये जो बनाना सेफ में आपको ये चीज़ें जो दिखाई देगा ब्लड, उसको बोलते हैं सबड्यूरल हेमरेज। अब देखिए एक्स्ट्राड्यूरल, जो एक्स्ट्राड्यूरल की जो स्पेस है किस शेप की है वो देखिए,
इन दोनों में डिफरेंस है दोनों, है ना, आप अच्छे से देख लीजिए। इसका जो सेफ है वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये भी ब्रेन के बाहर है। ब्रेन के बाहर क्यों है ये कंफर्म कर लीजिए अभी, है ना, कि सब्डुरल हेमरेज की सेफ है बनाना सेफ की आती है। वो क्यों आती है बनाना सेफ की, वो इसलिए आती है कि इसका जो स्पेस आप देख रहे हैं ये वाला स्पेस है ना, सब्डुरल स्पेस, इसकी सेप ही ऐसी है। तो जिस सेप में ब्लड होगा उस सेप में तो आप, उसी के नाम पे तो हेमरेज होते हैं ये, तो ये सब्डुरल हेमरेज हो गया। आपने पहले पढ़ा सबअरेक्नोइड हेमरेज, अब ये सब्डुरल हेमरेज हो गया, है ना। सब्डुरल की पिक्चर देख लीजिए अब आप, ये देखिए, ये रहा यहाँ पे, देखो ये आ रहा है ना बिल्कुल ऐसी सेप। तो दोस्तों ये जो मेनिंजीज होती है ना, ये नॉर्मल उसमें नहीं दिखाई देती हैं। देखो इधर तो नहीं दिख रहा ना, ये सब्डुरल स्पेस इधर दिख रहा है, इस वाले पिक्चर में दिख रहा, नहीं दिख रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब जिनमें पैथोलॉजी आ जाती है तभी दिखती हैं वो, विदाउट पैथोलॉजी का आपको इसमें इधर नहीं दिखाई देगा सब्डुरल स्पेस, किसी को भी नहीं दिखाई देगा इसमें। जब यहाँ पे पैथोलॉजी होगी तो दिखाई देगा, वरना यहाँ कहाँ दिख रहा है, तो तुक्का मार से थोड़ी नहीं दिख रहा है इसमें कि यहाँ दिख रहा है सब्डुरल स्पेस, नहीं दिख रहा। यहाँ इसमें ब्लड भर गया तो दिख रहा है इसमें सब्डुरल स्पेस ये रहा। अब ये सब्डुरल क्यों है, सब्डुरल इसलिए कि हमने पढ़ लिया है इसका, सब्डुरल का जो स्पेस होता है ये यहाँ ऐसा होता है सब्डुरल, ये रहा, ये सब्डुरल स्पेस ऐसा होता है इसलिए ये क्या हो गया, सब्डुरल हेमरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो दो तीन टाइप के जो ब्लीड होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सबड्यूरल, और देखिए एक आइडेंटिफिकेशन और ये भी अच्छा है, देखिए जो एपिड्यूरल जो हेमाटोमा, ये देखो सबड्यूरल, सॉरी जो सबड्यूरल हेमाटोमा है वो क्या होगा कि क्रॉस सूचर लाइन, जो सबड्यूरल हेमा जो हेमाटोमा होगा वो जो सूचर्स लाइन को क्रॉस करेगा, है ना। अब इसमें देखिए, अब देखिए एपिड्यूरल हेमाटोमा क्या, डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। यहाँ पे ये जो स्कल है, स्कल के नीचे जो जॉइंट ऑफ द जो बोन की जो सूचर्स होते हैं उनको ये क्रॉस यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है ना। तो ये रेडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होती हैं, जो पता होती हैं रेडियोलॉजिस्ट को, तो इनका काम यही होता है, हमारे सीनियर्स लोग हैं सर लोग तो उनको अच्छे से पता होता है, लेकिन हमें भी थोड़ी चीज़ें आइडिया होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ये देखिए ना यहाँ पे इसकी सेप दिखाई हुई, सेप से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप की आइडेंटिफिकेशन है। अब देखिए ये वाला देखिए, ये है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ये इंट्रावेंट्रिकुलर क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लीड है, इसलिए इसका नाम रख दिया इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड। तो इसमें क्या है, जिसको वेंट्रिकल पता होगा तो बता ही देगा सर इसके वेंट्रिकल में ब्लीड आ रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हम नाइट में सीटी स्कैन करते हैं तो पेशेंट को इस टाइप के जो हेमरेज होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इस वाली कंडीशन में आपको कहीं भी कोई चीज़ें दिखती हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इमरजेंसी में या रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना होता है, या नीरो के जो डॉक्टर हैं उनको बताना होता है कि सर पेशेंट को इंटरवेंट्रिकुलर ब्लीड है या एक क्रिटिकल कंडीशन में है, देख लीजिए। आपको रिपोर्ट करना होता है, मतलब बताना होता है डॉक्टर को आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है सीटी स्कैन कर दिया, इस कंडीशन में कोई पेशेंट आपके पास आया, सीटी स्कैन कर दिया, उसकी फिल्म ही नहीं बनाई दो घंटे तक बैठे हैं, ऐसे नहीं करना आपको। इस कंडीशन में आपको कोई पेशेंट दिख रहा है तो उसकी फिल्म बनाइए, डॉक्टर के पास डिस्पैच करिए और बताइए, ठीक है। ये देखिए, ये है इंटरनल ब्रेन हेमरेज। अभी जो हमने पढ़ा था वो थे द मेनिंजीज में जो हेमरेज हो जाते हैं, जैसे कि एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल, सबरेक्नोइड, और अभी हमने इससे पहले देखा था वेंट्रिकुलर हेमरेज। ये इंटरनल हेमरेज है, यानी कि ब्रेन की जो ब्रेनकाइमा है उसमें है, ये है ब्रेन के अंदर हेमरेज, ठीक है। तो इसकी कोई सेप नहीं होगी, ये तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी कि ब्रेन की इंटरनल पैरेन्काइमा के अंदर है ये हेमरेज, ठीक है। अब दोस्तों
ये आपने थोड़ा हेमरेज के बारे में देखा था, अब देखिए ये देख लीजिए, ये पता होना चाहिए। डॉक्टर पूछते हैं कि एक्यूट हेमरेज है या सब एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए दोस्तों, जो एक्यूट होता है, एक्यूट का मतलब होता है ताज़ा, यानी कि अभी उसको चोट लगा है या अभी उसका हेमरेज हुआ है, 10 मिनट 20 मिनट घंटे मैक्सिमम इसमें 1 घंटे तक का टाइमिंग माना जाता है। और जो एक्यूट जो बोलते हैं ना वाइट, ये वाइट कोई रेडियोलॉजिकल टर्म्स नहीं है, इसको बोलते हैं हाइपरडेंस। सीटी स्कैन की पिक्चर में जो ब्लड वाइट दिखता है उसको बोलना चाहिए हमें हाइपरडेंस। तो 1 घंटे के अंदर का जो ब्लीड है उसको हम एक्यूट हेमरेज बोलते हैं, एक्यूट सेबिटोरियल हेमरेज, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्यूट का मतलब होता है 1 घंटे के लगभग अंदर होने वाला हेमरेज। अब देखिए सब एक्यूट, सब एक्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे 3 दिन पहले किसी को चोट लगी है तब हेमरेज हुआ है, या 2 दिन हो चुके हैं यानी कि 72 घंटे उसको हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं सब एक्यूट। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पुराना हो गया, यानी कि उसको 5, 6, 7 दिन हो गए, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। और वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, हाइपोटेंस, ठीक है। हाइपोटेंस का मतलब ब्लैक और हाइपरटेंस का मतलब होता है वाइट। तो ये टर्म्स भी बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज हाइपरटेंस, कैसा दिखता है। हाइपरटेंस होता है वाइट और हाइपोटेंस होता है ब्लैक। तो हेमरेज में पूछते हैं कि एक्यूट था, सब एक्यूट था या क्रॉनिक है, तो तीनों आपको पता होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट पैथोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पैथोलॉजी अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, एक कंट्यूजन और देख लीजिए आप, है ना, कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब क्या होता है कि कंट्यूजन में दोस्तों मोस्टली पेशेंट को ब्लीड नहीं होता, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो ब्लीड, मोस्टली नहीं होता। जैसे किसी को बाइक से गिर गया, इंटरनली कोई चोट लग गया उसको, तो ये स्पॉट स्पॉट्स से दिखाई देते हैं आपको, डॉट 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 डॉट, है ना, तो इन्हीं को बोल देते हैं कंट्यूजन हो गया, यानी कि छोटा मोटा कहीं कोई वेसल्स रप्चर हो गया, फट गया, तो वो भी हेमरेज होता है एक टाइप का कंट्यूजन। देखिए ये पैचेस पैचेस से डॉट डॉट से आ जाएंगे ब्रेन में, तो ये क्या होता है, कोई बड़ी वेसल्स नहीं फटी है या रप्चर नहीं हुई, छोटी मोटी कहीं से हो गई हैं, तो उनको बोलते हैं कंट्यूजन। ये बोलते हैं ना दलक लग जाता है एक इंटरनली, है ना, तो ये होता है कंट्यूजन, ठीक है। तो ये भी हेमरेज में ही था। तो नेक्स्ट पैथोलॉजी हम देखेंगे मिडलाइन, व्हाट इज मिडलाइन शिफ्ट इन ब्रेन, कि ब्रेन में मिडलाइन शिफ्ट को क्या बोलते हैं, ये क्या होती है मिडलाइन। दोस्तों देखो, जो ब्रेन होता है ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होता है, बीच में एक यहाँ पे जो सेंटर में एक लाइन बनती है जिसको बोलते हैं ब्रेन की मिडलाइन। देखिए इसमें भी सीधा सीधा आ रहा है ये मिडलाइन, तो इससे पता चलता है ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अब ये कभी कभी शिफ्ट हो जाती है ना, जब पेशेंट को पैथोलॉजी होती है तो शिफ्ट हो जाती है इस टाइप से। देखो ये मिडलाइन शिफ्ट आप कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये पता होना चाहिए आपको, ये एंटीरियर सेरेब्राई फॉक्स बोलते हैं इसको, है ना। ये देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे ना पिक्चरों में, तो यहाँ पे एक आपको साइन मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचते हैं, वो ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होके जाती है। ये देखिए इसने खींच के भी दिखाई हुई है लाइन को, बना के भी, है ना। तो ये एंटीरियर सेरेब्रल फॉक्स होती है और ये यहाँ होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल फॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से खींचो लाइन एक सीधी, तो ये बनती है मिड लाइन। तो अब ये मिड लाइन शिफ्ट कैसे हो जाती है, देखिए जब पेशेंट को हेमरेज होता है ना, वो डिपेंड करता है कौन सा हेमरेज है, कितना हेमरेज है, कितना अमाउंट है, या कोई ट्यूमर भी हो सकता है। तो जब यहाँ ब्लड भरेगा तो ब्रेन पे प्रेशर लगेगा, जब ब्रेन पे प्रेशर लगेगा तो ब्रेन पुश हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। यदि राइट में उसको काफ़ी बड़ा हेमरेज हो गया है तो ब्रेन पुश हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं कि पेशेंट का जो ब्रेन है उसको मिड लाइन शिफ्ट हो गया, यानी कि ब्रेन शिफ्ट हो गया उसका। देखिए ये जो एक पहचान क्या है, जो लाइन है ना ये मिड लाइन, ये बिल्कुल ये लेटरल वेंट्रिकल के बीच से होके गुजरती है। जब आप एंटीरियर सेरेब्रल फॉक्स से एक वो रखेंगे पैरामीटर और नीचे तक खींचेंगे इसको लाइन को, तो ये बिल्कुल वेंट्रिकल के बीच से होती हुई जाएगी,
और अपन मिड लाइन शिफ्ट का कैसे पता चलेगा, वही अब ये एंटीरियर सेरेब्रल फॉक्स और पोस्टीरियर सेरेब्रल फॉक्स चेंज नहीं होंगे, ये वहीं पर रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। आपको यहीं से कर्सर सीधा रखना है माउस और ऐसे लाइन खींचना है। तो यदि वेंट्रिकल के बीच से लाइन नहीं जा रही है तो वो क्या हो गया, मिड लाइन शिफ्ट। ये देखिए, अगर हम यहाँ से रखते तो सीधे यहाँ लाइन आना चाहिए था इसका, लेकिन इसका हेमरेज की वजह से इस पेशेंट का मिड लाइन शिफ्ट हो गया है। इसको बोलते हैं मिड लाइन शिफ्ट। ये भी थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है मिड लाइन शिफ्ट भी। तो ये मिड लाइन शिफ्ट था। अब नेक्स्ट पैथोलॉजी हम पढ़ेंगे। देखो इसमें भी दिखाया हुआ है, इसने ना यहाँ से एंटीरियर से पोस्टीरियर सेरेब्रल फॉक्स तक इसने लाइन खींची और यहाँ से इसको मीजर, ये प्रैक्टिकली मीजर करना भी मैं बता दूंगा। तो इसको क्या है, 14 mm मिड लाइन शिफ्ट हो गया है राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये मिड लाइन शिफ्ट था। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे एट्रोफी। व्हाट इज ब्रेन एट्रोफी, जिसको बोलते हैं एज रिलेटेड चेंजेस ऑफ द ब्रेन, कि एट्रोफी क्या होती है और नॉर्मल ब्रेन कैसा होता है। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल ब्रेन होता है उसको हेल्दी ब्रेन भी बोलते हैं ना, बिल्कुल। एट्रोफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ब्रेन में CSF स्पेस होता है ना, CSF स्पेस। अब जिसको CSF स्पेस नहीं पता होगा उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जानना, तो ये पहले देख लीजिए, है ना। इसको एट्रोफी को देखने के लिए, देखना तो बहुत ईजी है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको पढ़ना होगा द CSF सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन का जो CSF सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा वीडियो देख लीजिए दो चार, है ना। तो इसका जो स्पेस होता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा CSF फील्ड होता है ब्रेन के अंदर, तो ये पूरी साइकिल होती है। ये ब्रेन से, ये ब्रेन में घूमता है CSF फ्लूड जो होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूड, और कहाँ जाता है, स्पाइन में, और स्पाइन से वापस फिर कहाँ पे आ जाता है, ब्रेन में। ऐसे इसकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, जो ब्रेन है यानी जो एट्रोफी होती है, मोस्टली 45 एज के बाद एट्रोफी आना स्टार्ट हो जाता है हर किसी को, जिसको बोलते हैं कि ब्रेन का श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है ना, एक तरीके से बुढ़ापा भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, यानी कि जो ब्रेन है वो आपका सिकुड़ने लग जाता है। अब किसी का 20 साल की एज में सिकुड़ने लग गया तो वो तो बीमारी होगी ना। अब किसी के 50 साल में थोड़ी बहुत एट्रोफी आ रहा है ब्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड। ये होता है एज रिलेटेड का मतलब, एज के साथ जो सिम्टम बॉडी में सबको होता है वो सबको ही होना है। तो उसको पता कैसे चलता है, देखिए इस वाले ब्रेन में, देखिए ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है ये, है ना, ये CSF स्पेस है, इसमें सब सल्कस में जो भरा क्या होता है, CSF भरा होता है। तो इनका स्पेस बढ़ता रहता है, ये स्पेस बड़ा हो जाए। इसमें देखिए, इसने मोटा मोटा दिखा रखा है, ये देखिए, ये इसमें जो लाइनिंग्स हैं, ये स्पेस, ये हेल्दी ब्रेन है और ये एट्रोफी ब्रेन है, CSF स्पेस बढ़ जाता है। अब रेडियोलॉजिकल इमेज में कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे दिखाई देते एट्रोफी। देखो ये नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है और इसमें, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो CSF स्पेस में क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, यानी कि जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन का पोर्शन यहाँ से श्रिंक होने लग गया, ये इसमें नहीं है ना ऐसा चीज, देखो। तो मोस्टली एट्रोफी का मतलब होता है द इंक्रीज ऑफ CSF स्पेस इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो CSF स्पेस है वो इंक्रीज होता रहता है एज, एक एज होने के बाद में, उसको बोलते हैं एट्रोफी। और पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये एट्रोफी हुआ कंप्लीट। ये देखिए, ये था वो CSF स्पेस, है ना, ये जो स्पेस, ये वाला जो स्पेस है ये इंक्रीज होता रहता है, तो उसको बोलते हैं एट्रोफी। ठीक है दोस्तों, अब हमें नेक्स्ट में पढ़ना है दोस्तों हाइड्रोसिफेलस, या हाइड्रोकिफेलस की बोलते हैं। नहीं मैम, ये देखिए ये क्या है, ये हाइड्रोकिफेलस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ब्रेन में जो CSF होता है वो ब्रेन से स्पाइन में रन नहीं करता, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाती है ब्रेन में। दिक्कत क्या हो जाती है वो भी देख लीजिए, है ना, फिर आपको डाउट ही रहेगा। ये देखिए, ये जो, ये क्या है, द वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन।
ब्रेन के इस वेंट्रिकुलर सिस्टम से होता हुआ CSF कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये थर्ड वेंट्रिकल से निकल के, थर्ड वेंट्रिकल से एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। इस सेरिब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू CSF फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा और फोर्थ वेंट्रिकल से जाता है स्पाइन में। तो जब ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट स्टेनोसिस हो जाता है जिस पेशेंट को, यानी कि यहाँ पर रुकावट आ जाती है सेरिब्रल एक्यूडक्ट में, जब रुकावट आ जाती है तो जो ब्रेन का जो CSF है वो ब्रेन में स्टोरेज होता रहता है। ये पूरा CSF है, ये ब्रेन के वेंट्रिकल से CSF नीचे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जा पाता है और ये ब्रेन में ही स्टोर होता रहता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। तो ये मोस्टली बच्चों में होता है, मोस्टली हो किसी को भी सकता है लेकिन मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है, जिससे एक बहुत क्रिटिकल हो जाता है और डेथ भी हो जाती है कभी कभी बच्चों की, है ना। तो ये क्रिटिकल में ही आ जाता है ये एक तरीके से, ठीक है। तो हाइड्रोसेफेलस का मोस्टली क्या है, जो वेंट्रिकल्स में बहुत बड़े, ये देखो कितना बड़ा हो गया वेंट्रिकल इसका, है ना, इसमें बचा ही क्या, कुछ नहीं। तो ये होता है हाइड्रोकेफेलस का मतलब कि जो जो CSF जो था, CSF ब्रेन से नहीं जा पा रहा है नीचे, यानी कि ये जो डक्ट आ रही है ना, ये देख कितना 3D पिक्चर इसमें बनाया हुआ, ये डक्ट होती है, ये MRI में बहुत अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है। ये कौन सी डक्ट है, कौन सी डक्ट है, ये देखिए सेरिब्रल एक्यूडक्ट, है ना, ये डक्ट बंद हो जाती है तो पानी जो होता है, जो CSF ब्रेन में ही भर जाता है, स्टोर हो जाता है, नीचे नहीं जाता, उसको बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। और CT पिक्चर में आपको कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से। तो हाइड्रोकेफेलस कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा ब्रेन एडिमा भी देख लेते हैं। ब्रेन एडिमा शायद कवर नहीं हुआ इसमें, कोई नहीं, ब्रेन एडिमा हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट पैथोलॉजी लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जस्ट एक इंटरप्रिटेशंस था जानने के लिए, पढ़ने के लिए। यदि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।